अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक हैं। हमने आज बेटा क्वेश्चन नंबर 11 करना है, 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.1। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले लेक्चर्स में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका 3x-2:4 प्रोपोर्शनल 2x+3:7। तो सॉल्यूशन है इसका। इसी एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था बेटा, उसमें हमने एक मेथड यूज किया था 3x-2:4 प्रोपोर्शन 2x+3:7। ये बेटा एक्सट्रीम्स हैं एंड देन ये मीन्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यहां पे फार्मूला हम यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मींस। तो एक्सट्रीम्स हमारे पास 3x-2:7 इक्वल है मींस बेटा हमारे पास 4x+3। तो 7 3s are 21x-7 2s are 14 इक्वल है 4 2s are 8x+4 3s are 12। तो 21x ये प्लस 8x है, इस तरफ आके माइनस 8x इक्वल है 12। माइनस 14 उस तरफ जाके बेटा प्लस 14। तो 21x-8x तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 13x इक्वल है। इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 26। 13 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड एंड देन 13 1s are 13 2s are, तो एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है हमारे पास बेटा। सॉल्यूशन है इसका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मीन के 3x-1 अवर में 7 मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसे 7/5 इक्वल है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2x/3। तो बेटा ये 7 से कैंसल, 3x-1/5 इक्वल है बेटा ये 3 से कैंसल, तो 2x/5 इक्वल के दोनों साइड पे जो सेम चीजें हैं वो भी कैंसल, 5 से कैंसल, देन 3x-1 इक्वल है 2x। तो 3x ये प्लस 2x है, इस तरफ आके माइनस 2x-1 उस तरफ जाके बेटा प्लस 1। तो 3x-2x ये आ जाएगा x इक्वल है 1। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट 3 है इसका। सॉल्यूशन है इसका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मींस x-3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/x+4 इक्वल है 5/x-1 मल्टीप्लाई बाय x-1/3। ये बेटा x-1 से कैंसल एंड 2 1s are 2 2 2s are 4, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा इससे 2 x-3/x+4 इक्वल है, इस तरह बचेगा 5/3। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 को इससे, 3 2s are 6 x-3 इक्वल है x+4 को इससे 5 x+4। तो 6x-6 3s are 18 इक्वल है 5x 5 4s are 20। x वाली वैल्यूज एक तरफ, 6x ये प्लस 5x है, इस तरफ आके -5x इक्वल है 20, -18 उस तरफ जाके +18। तो 6x-5x 1x इक्वल है 20+18, तो बेटा ये आ जाएगा 38। यही हमारे पास इसका फाइनल
आंसर है। नेक्स्ट बेटा अहम तरीन पार्ट है ये, पार्ट फोर सॉल्यूशन है इसका। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मींस पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर को मल्टीप्लाई हम करेंगे पी माइनस क्यू स्केयर से, इक्वल है एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू माइनस क्यू क्यूब आवर में पी प्लस क्यू। अब बेटा आप देखेंगे पी प्लस क्यू इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू पी माइनस क्यू का होल स्केयर इंटू पी प्लस क्यू। अब पी क्यू माइनस क्यू क्यूब इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड पी क्यू माइनस क्यू क्यूब इक्वल है एक्स के, तो पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू पी माइनस क्यू का होल स्केयर इंटू पी प्लस क्यू आवर में, इसका फार्मूला ओपन करें आप बेटा तो पी माइनस क्यू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इक्वल है एक्स के। पी माइनस क्यू इसकी एक पावर से कैंसिल, देन पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास बचेगा पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल है एक्स। ये ए ये बी एंड देन ये ए और ये बी, फार्मूला लगेगा यहाँ पे बेटा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इज इक्वल है एक्स, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका पार्ट फाइव है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन है बेटा इसका, इसमें बेटा हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मींस, तो 8 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 माइनस एक्स से, इक्वल है 11 माइनस एक्स को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स से, एंड देन 8 को 25 से मल्टीप्लाई किया 200, 8 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8x, माइनस एक्स को 25 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 25x, माइनस माइनस प्लस एक्स के इक्वल है 11 को बेटा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 176, 11 को माइनस एक्स से तो माइनस 11x, एंड देन माइनस एक्स को 16 से माइनस 16x, माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर, तो बेटा 200 माइनस 8 एंड देन माइनस 25 तो ये आ जाएगा माइनस 33x प्लस एक्स स्केयर इक्वल है 176, माइनस 11 एंड माइनस 16 तो ये आ जाएगा माइनस 27x प्लस एक्स स्केयर। अब सारी वैल्यूज बेटा एक तरफ कर दें आप, इसे तरतीब से लिख लें, एक्स स्केयर माइनस 33x प्लस 200 प्लस एक्स स्केयर इस तरफ आके माइनस एक्स स्केयर माइनस 27x इस तरफ आके प्लस 27x एंड प्लस 176 इस तरफ आके माइनस 176 इक्वल है जीरो। माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर कैंसल, तो प्लस 27x माइनस 33x ये आ जाएगा माइनस 6x, 200 माइनस 176 तो बेटा ये आ जाएगा प्लस 24 इक्वल है जीरो के, तो माइनस 6x प्लस 24 उस तरफ जाके माइनस 24 माइनस 6 बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल है माइनस 24 आवर में माइनस 6, तो माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स इक्वल है 24 आवर में 6 6 1 एंड देन 6 4 तो एक्स इक्वल है 4 हमारे पास इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हुई, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।